ಮಾಡು. अजी सुनिए, सास सभा में काम कर रहे हैं और महीने का अच्छा खासा तनख्वाह उठा रहे हैं और ऊपर ही कमाई भी कर रहे हैं और घर की पत्ते को दासी बना के रखे हैं। अरे क्या जरूरत है, जल्दी साफ साफ बताओ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक नौकरानी रख लीजिए, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना वो करेगी। केवल नौकरानी ही नहीं, एक नौकर भी लाना होगा। नौकरानी घर की सफाई और बर्तन धोने के काम आए, नौकर बाजार लाना, पशुओं को खिलाना पिलाना और कपड़े धोने का काम करेगा। तो फिर सब काम में देर किस बात की जाइए, एक नौकरानी नौकर को ढूंढ के लाइए। इतना कष्ट जो मैं करता हूँ, चाहूँ तो तुम्हारे लिए भूत के मुँह से भी राम राम निकलवा चलता हूँ। लक्ष्मी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, सुनिए, सुन के जाइए। सचमुच लक्ष्मी, भोजन इतना स्वादिष्ट बना था ना, क्या बताऊं तुमको, अमृत, एकदम अमृत था। जितना नौकर नौकरानी रखो ना क्यों, भोजन लेकिन तुम ही बनाओगी, याद रखना। प्रणाम जी गोपाल बाबू। प्रणाम की लक्ष्मी। आवाज लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम लोग भीख लेने नहीं आए हैं, आप काम के लिए आदमी ढूंढते थे इसीलिए आए। नाम क्या है? अजी नकुल। और साथ की स्त्री? क्या मेरी पत्नी बतासी है। बाप रे बाप, बतासी नकुल दाना, सब एक साथ, छेना कहाँ है? यारा यारा। अरे वाह, बताशा नकुलदाना छेना सब एक ही साथ सजा कर लाए हो, क्या क्या काम करना होगा जानते हो? क्या क्या काम करना है वो सब मुझे पता है, सिर्फ आप बताइए कितना तनख्वाह दीजिएगा। खाना पीना मिलेगा, साल में 4 साड़ियाँ मिलेगी और महीने के 12 रुपए मिलेंगे, समझे तुम लोग? बोलो तैयार हो? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है तब आज से ही काम शुरू करो। हाँ हाँ माँ जी, बताइए बर्तन धोने वाला जगह कहाँ है? उधर उस कुएं के पास। ठीक है माँ जी, चल बेटा चलते हैं। लक्ष्मी रात कितनी हो चुकी पता है? सोओगी नहीं क्या? आप सो जाइए, मैं इस कपड़े को सिल के सोऊंगी। महाराज कृष्ण चंद्र का परामर्शदाता गोपाल, जिनके दाएं बाएं दोनों हाथ में काम है, घर में 2 नौकर है, उसकी पत्नी फटे कपड़े सिलाई करके पहनेगी? छी 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 छी, इससे लोग क्या कहेंगे पता है? गरीब की पत्नी को ज्यादा सजना सवरना ठीक नहीं। इसमें रोने की क्या बात है, बताओ क्या हुआ है, यह तो बताओ पहले। सुने पहले पूरी बात बताओ, उसके बाद बिलक बिलक कर रो। तालाब में पानी भरने गई थी। तालाब से नवीन की बीवी भी आई थी पानी लेने, और वो कान में सोने के झुमके पहनी थी। झुमके पहन के कितना वो इतरा रही थी और मुझे कितना ताने सुना रही थी कि हाँ घर में 2 नौकर है और गहने एक भी नहीं। सुन के मुझे कितना शर्म आ गया। ओहो यही बात है, अच्छा अच्छा, तो मैं कल ही सुनार के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए 2 जोड़े कनफूल ला दूंगा। ए देखो 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 मेरी गुड़िया रानी, अब तो थोड़ा हंस दो। अरे हंसो हंसो, आहा जाइए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसे कोई देखने ना पाए वही व्यवस्था करता हूँ। श्याम एकदम फालतू बात मत करो, मैं तुमको बोला था सीता मटर। अरे नहीं, आप मटर बिछिया बोले थे? हाँ सीता मटर बोला। अरे श्याम किस बात का झगड़ा हो रहा है? देखो ना गोपाल, तुम्हारी चाची श्याम को सीता मटर हार के बारे में बोली थी, यह मटर बिछिया तैयार कर दिया है, अब तुम ही विचार करो। सीता मटर कोमल लड़कियाँ पहनती, चाची क्या छोटी लड़कियों के कपड़े पहनती है क्या जो सीता मटर पहनेगी?
मटर बिछिया और सीता मटर में किसका वजन ज्यादा है? सीता मटर 4 तोले से कम में नहीं होता है। 2 जोड़े कनफूल बनाने में कितना सोना लगता? यही पकड़िए, आधा भरी। 1 भरी का दाम 10 मुहर है। इसका मतलब सब मिलाकर लगभग 4 मोहरे लगेंगे। तो सुनो, मैं हिसाब में तुम्हारे पास 4 मोहरे पाता था, तुम्हें तो जरूर याद होगा। हाँ हाँ, याद है याद है। तो क्या हुआ है, बोलो। ना ना, बोल रहा हूँ, जब तुम मिल ही गए हो, श्याम को भी कुछ अग्रिम राशि देनी होगी। इधर घर से आते समय मैं मुद्रा भी ज्यादा नहीं ले आ पाया। तब तुम पावना रकम मेरा दे दो, श्याम को अग्रिम दे दूं। तुम मुझे ऐसा समझते हो? मांगूंगा नहीं, चाची के लिए सीता मटर हार बनवा रहे हो, और मेरे चाहने पर ऐसे? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बूढ़ा हो चुका हूँ, लड़कों के सहारे रहता हूँ, इतनी रकम कहाँ से पाऊंगा, बोलो। ऐसी बातें कह कर भुलवाओ मत, जल्दी जल्दी रकम निकालो। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। याद रखना, ये काम अच्छा नहीं किया गोपाल। ओ चाचा, मेरी समस्या क्या होगी? छोड़ो, तुम्हारा कोई गहना नहीं चाहिए मुझे। यह बहुत बड़ा बदमाश है। क्या हुआ, ठीक से सोच कर देखो रघु, कर पाओगे तो? अरे चाचा, लाठी की कसम खाकर कहता हूँ, एक ही बार में उसे यमलोक पहुँचा दूंगा। हाँ, इसको यमलोक पहुँचाने की बात हो रही है, मैं भी जरा सुनूँ तो। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह गोपाल है। ये सब बात छोड़कर पहले ये बताओ, वो कहाँ मिलेगा? सुनो। नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चलता हूँ, जल्दी जल्दी घर चलता हूँ। क्या क्या, तुम ठीक से सुने हो तो? नील की आँखें और नकुल के कान कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। मेरा दिमाग में एक बात आई है, सुनो नकुल। समझ गए? हाँ हाँ, मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, आप एकदम चिंता मत करें। जा रहा हूँ लक्ष्मी, उधर हरिधन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाइए जाइए, ठीक से जाइएगा। जय माता जी, जय माता जी। क्या माँ जी, चुपचाप बैठे क्यों हैं? कल रात से पता नहीं क्यों डर डर लग रहा है। बतासी पति जब घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ा मन ऐसा लगता है। माँ जी देखिए, कौन आ रहा है आपके घर पे? अरे ये तो वो है, उनके दोस्त। अरे भैया क्या हुआ है, आप वापिस आ गए हैं? आपका तबीयत ठीक है ना? अरे वो कहाँ है, चुप क्यों है आप? भाभी 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 क्या हुआ है उनको? गोपाल गोपाल चुप मत रहिए, बताइए ना क्या हुआ है? कल रात में उल्टी करते करते मर गया। हे जी, अब कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? हे जी, मैं किसके साथ रहूँगी? चाचा चाचा, गोपाल मर गया। क्या रे, कैसे? कल रात पूजा करने शिव मंदिर जा रहा था, बार बार उल्टी आने से मर गया। शिव मंदिर जाते जाते कैलाश पहुंच गया, ठीक है अब तो रास्ता साफ हो गया। अरे शमशान जाओगे क्या? ना, वो सब काम तो रात में ही हो गया। अब उसकी पत्नी का मंगलसूत्र उतारना और सिंदूर धोना बाकी है। इसी के लिए भाग दौड़ हो रही है। पड़ोसी और रिश्तेदार? नहीं नहीं, गाँव के ही कुछ लोग है। हाँ, एक तीर से 2 शिकार किया हूँ, तो आज रात में उसके घर में आग लगाकर उसकी पत्नी को भी मार डालो और उसकी सारी संपत्ति भी अपने हाथ में आ जाएगी। शुद्ध का शुद्ध और मूलधन भी मिल गया। बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी चलो। यही तो चल रहे हैं। और शर्मा चाचा,
ओ शर्मा चाचा। ए, तुमने आवाज दी क्या? नहीं तो। ओ शर्मा चाचा। अरे चाचा, यह तो गोपाल की आवाज है। वह तो मरकर भूत हो गया है, वो कहाँ से आएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे गले में जनेऊ है, मैं भूत से नहीं डरता और विश्वास भी नहीं करता हूँ। ओ चाचा, ओ रघु। वही आवाज फिर से। ऐ भूत, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं तुम लोगों के पीछे ही हूँ, जरा मुड़ कर देखो। राम 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 राम। कैसे हैं चाचा? अच्छा हूँ। इतनी रात में जल्दबाजी करके कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर में आग लगाने? मेरे घर में आग लगाओगे? आज ही तुम दोनों की गर्दन मरोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, भागो भागो भागो। महाराज, मुझे लगता है गोपाल का यथोचित अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आप स्वयं कल उसके घर जाकर उसकी आत्म शांति के लिए आत्म संस्कार का क्रियाकर्म संपन्न करें। उसके साथ 100 ब्राह्मणों का भोजन और दान देने की व्यवस्था करें। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, अंतिम संस्कार के समय कल गोपाल के घर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, तब आज्ञा दे। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। आज भोजन बहुत दमदार हुआ है, हाँ, क्या चाचा? हाँ, तुमने जो बोला ठीक है। रात में लालटेन और कुछ लकड़ी लाते तो बहुत ही अच्छा होता। क्यों? सामने बाग बगीचा के पास बहुत डर डर लगता है। कुछ नहीं होगा, राम नाम जपते जपते चलते रहो। शरीर के रोए रोए खड़े हो रहे हैं। राम 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 राम। तो इन दोनों को मार मार के गला बोड़ के खाऊंगा। मैं इन दोनों का मांस नोस नोस के खाऊंगा। वो चाचा, वो अब कौन आ रहा है? तुम लोगों का खून पीऊंगा, हाड़ मांस खाऊंगा और चमड़े की ढोल बनाकर उस बांस के ऊपर बैठकर मजे में बजाऊंगा। लगता है गोपाल का भूत हम लोगों की गर्दन मरोड़ेगा। भागो चाचा, भागो भागो। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जाओगे बच के? गोपाल के घर में आग लगाना और गोपाल को मारने का सजा तो मिलेगा ही। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। महाराज बचाए हमें, बचाइए हमें। दाह संस्कार और आत्म शांति करने के बाद भी क्या गोपाल का भूत तुम लोगों को खदेड़ रहा है? अरे गोपाल का भूत केवल तुम लोगों को ही क्यों परेशान कर रहा है? गोपाल के घर आग लगाने गए थे इसलिए। आग लगाने गए थे मतलब? उसके पिता से मैं बाल बनवाता था, उसके पिता कुछ मुद्रा पाते थे। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और परसों जब मैं गहने खरीदने निकला था तो वही बाकी मुद्रा गोपाल मुझसे जबरन वसूला था इसलिए। छी 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 छी, यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसका दंड तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। सिपाही, कैद कर इन्हें कारागार में डालो। महाराज, इस बार दया करके छोड़ दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं भी वादा करता हूँ, जीवन में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। हाँ महाराज। बाप रे बाप, भूत भूत बाप। ये लोग जब अपना अपराध खुद स्वीकार कर लिए हैं तो छोड़ दिया जाए महाराज। गोपाल, मुझे मत मारो, मैं गया जाकर तुम्हारा पिंडदान कर दूंगा, छोड़ दो मुझे।
क्या महाराज, मैं मरा कब था कि जो आप मेरा पिंडदान कर देंगे? हाँ, शर्मा और रघु द्वारा मुझे जान से मारने की योजना बनाने की बात मेरा नौकर नकुल सुन लिया था, इसलिए मैंने भी यह चाल चली थी। आज शाम मैं अपने मित्र हरधन के घर जाऊंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझ गए? तुम ध्यान रखना। तब लोगों को मैं क्या बताऊंगा? तुम बोलोगे कि मैं शिव मंदिर में पूजा करने गया हूँ। उसके बाद? उस रात जब मैं शिव मंदिर पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में ही उल्टी करते करते मर गया, यही खबर लेकर हरदन आएगा, शिव का खबर देगा, खबर चारों ओर फैल जाएगी और बदमाशों को पकड़ने में आसानी और सुविधा होगा, समझ गए? हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन सावधान, मेरे जीवित रहने की खबर कोई जान न पाए, और हर समय शर्मा के ऊपर नजर रखोगे और समय निकाल कर उनके गोपनीयता की खबर हमें देते रहना। ठीक है मालिक, इसकी चिंता आप एकदम नहीं करना। महाराज, इसके बाद तो आप सब जानते हैं। सब कुछ तो समझे, लेकिन ये तीनों कौन है? यह नकुल का लड़का छेना है और ये दोनों उसके दोस्त हैं। इनके नाम हैं रामू और श्यामू। आप जिंदा हैं, मरे नहीं। सुन के मेरी क्या हालत हो गई थी आपको पता भी है। सुनिए, रुकिए, अभी मैं आपकी खबर लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ भोंदा? तुम बार बार डेस्क से क्या देख रहे हो? जी सर, कुछ नहीं सर। वो सर, वो क्या है ना सर, बूंदा ये केक छुपा के रखा है, शायद उसी को वो बार बार देख रहा है। नहीं सर। कहा है, दिखाओ, देखो जरा तुम्हारा डेस्क। ये देखिए सर। अच्छा, ये बात है। नालायक लड़के, पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं है, दिन भर सिर्फ खाना ही खाना। ये लीजिए सर आपका डंडा। हाँ दे मुझे दे। हाँ सर, तो नालायक लड़के, नालायक लड़के, बता बता, पूरा बेवकूफ छूकर खाता है सर, क्लास में ऐसा छुप छुप कर केक दिखाएगा ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ बोल, कभी नहीं ले आएगा केक। ओ ओ, कभी तुम्हें रूम में केक लाएंगे, एकदम भूखा है मिस्टर प्रिया। तू छोड़ छोड़ दियो सर, तेज भूख लगा है सर, तो मेरा केक छीन लिए है। भूख के मरे मेरे पेट में चूहा कूद रहे हैं। स्कूल की तो छुट्टी हो गई, घर पहुंचने में तो बहुत देर है। हाँ, उस खिड़की पे खीर का कटोरी रखा हुआ है, उसके पास जाकर देखता हूँ, शायद कोई ठंडा होने के लिए रखा होगा। बूंदा, आज तू कुछ नहीं खा पाएगा, समझे? अब मैं इस खीर को खाकर देखता हूँ। खीर का सुगंध बहुत अच्छा है। ये देखिए दादाजी, ये देखिए, वो लड़का आपका खीर का कटोरी चुरा रहा है। हाँ, इतना बड़ा हिम्मत, मेरे घर में चोरी? नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं, कहाँ जा रहा? रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। भागो भागो भागो, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर। अच्छा हुआ कि तुम उस चोर को देख लिए हो, वरना ना जाने क्या क्या होता। इनाम में ये 5 रुपया रख लो। आज मैं उस हंदे के वजह से पकड़ते पकड़ते खीर भी नहीं खा पाया। बहुत भूख लगा है मुझे, लग रहा है उस खिड़की के ऊपर चिकन रोल रखा हुआ है। जाकर देखता हूँ सच में तो। हाँ, कुछ भी हो मैं उस रोल को खाऊंगा। चलता हूँ।
वो देखिए भैया, चोरी कर रहा है। ये क्या फिर से मुझे हंदा पकड़वा दिया है, मैं अब क्या करूं? जल्दी यहाँ से भागता हूँ। अरे भागो भागो। हाँ? ये मैं कहाँ पहुँचा? हाँ? ये तो बेकरी है, यहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अंदर पीछे की रास्ते से अंदर जा रहा है, जाकर मैं इस बेकरी के मालिक को बोलता हूँ। आप यहाँ हैं? अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अंदर चोर है। ये क्या, यह भी हंदा बेकरी को साथ में ले आया। मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। चोर कहीं का, उसे जल्दी वापस लेकर आ। आ जल्दी। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे आ गया। दे मुझे वापस दे, 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 दे जल्दी। ये लीजिए, ये लीजिए आपका केक। ये क्या किया, ये क्या किया तूने? हाँ, मेरा पूरा केक बर्बाद कर दिया तू। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। वो केक नहीं था, वो गुब्बारा था। इसका मतलब ये लड़का मुझे झूठ बोला? बचे हो मुझे। बहुत बड़ा चोर है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मत मारिए, भागो। वो बहुत ही झूठा है सर, वही मुझे गुब्बारा में रंग भर कर दिया था और मुझे बोला था आपके मुंह पे मारने के लिए। मुझसे मजाक कर रहा था तू? आ मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ, भागो भागो। मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? रुक रुक, मैं बोल रहा हूँ रुक। एक जलाशय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वास करते थे। सुनसान जलाशय में ये जीव जंतु खुशी खुशी वास करते थे, लेकिन एक कहावत है, जहाँ पे शिकार वहीं पे शिकारी। इस जलाशय के किनारे किनारे बकुले ने वास कर रखा था। मछली, मेंढक इत्यादि जो अपने मन की खुशी खुशी घूमते थे, वो लोग उसको पकड़ के खाते थे। इन लोगों में एक बकुला बूढ़ा था। बहुत उम्र हो गया है मेरा, पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बचने के लिए तो खाना होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगा के होशियारी से शिकार करना होगा। अन्य मामा, तुम नो क्यों रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आज खाने को नहीं मिला है क्या आपको कुछ? हाँ बताइए। हाँ भांजे, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं खाना त्याग कर दिया हूँ, अनशन पे हूँ, मैं अब कोई मछली नहीं खाता। मामा, आप शाकाहारी बन गए, इसका वजह क्या है बताइएगा? तो फिर सुनो, मैं इस जलाशय के पास जन्म लिया हूँ और यहीं पे अपना जीवन बिता के बुढ़ा हुआ हूँ। सुना हो कि आज से 6 साल तक बारिश नहीं होगी, ये जलाशय सूख जाएगा, क्या होगा सबका? इतनी खतरनाक की बात कहाँ से सुने हो मामा? दो बकुले के पास से सुना हूँ मैं। मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो उम्र हो चुका है, चिंता है तो तुम सबकी। तुम लोगों के साथ इतना दिन बिताया हूँ मैं, कैसे देखूँ तुम लोगों को मरते हो? अरे मामा, अब क्या बता दिए, जा रहा हूँ, क्या करूँगा, जाके जलाशय में सबको बताता हूँ ये बात। अरे अरे, चुप रहो चुप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ, शोर मचाने से क्या फायदा, दिमाग को ठंडा करके सोचो क्या कर सकते हैं,
पर ना चलो उसी बकुले मामा के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता हम लोगों के लिए ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? चलो चलो। बकुला मामा, आप ही हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, वरना हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता। कोई ना कोई उपाय तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, हम लोग को बचाओ। एक उपाय है, इस जलाशय से थोड़े से दूर में एक नदी है जिसका पानी सालों तक नहीं सूखता, बारिश हो या ना हो। वही पे तुम सबको ले जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन ये कैसे संभव है? हम लोगों का तो पंख नहीं है जो हम लोग उड़ के जाएंगे, पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे? हाँ, वो सब क्या मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ। तुम लोगों के लिए मैं हूँ ना, रोज एक एक को मैं अपने कंधे पे बिठा के पहुँचा दूंगा। मैं बताओ तुम लोग। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं तो बुरा हो चुका हूँ, एक साथ मैं सबको नहीं ले जा सकता हूँ, इसीलिए मैं रोज एक एक को ले जाऊंगा, मुझ पे विश्वास है। बातों के अनुसार बकुले मामा ने रोज एक एक को लेके जाना शुरू किए। मामा, जलाशय कितना दूर है? हाँ हाँ, आ ही चुका है बेटा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, नीचे उस पत्थर पे जाके थोड़ा आराम कर लेता। लेकिन मामा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगा। अब कहा जाएगा तू? मामा नहीं, मामा बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, बकुले मामा ने रोज रोज एक एक को ले जाना शुरू किए और बड़े ही आनंद से खाना शुरू कर दिए थे। और एक दिन लेके उड़े केकड़े को अपने साथ। मामा, दलाते कितना दूर है? और ज्यादा दूर नहीं है। और मामा, इतने दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ लहेंगे, कितने आनंद से। उससे पहले मैं तुझे खा के अपने मुंह का स्वाद बदलूंगा, बहुत दिन से मछली खा खा के बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, नीचे उस पत्थर के ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ले, ओ थप क्या है मामा, लेकिन जलाशय नहीं दिख रहा है। हाँ, जलाशय मेरे पेट में है, अब मैं तुझे उसमें डालूंगा। लेकिन मैं तो ये तो होने नहीं दूंगा। महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं।
बहुत समय पहले उत्तर हिमालय में एक छोटा सा गांव था और उस गांव का नाम था वीर शिवपुर। गांव वालों का मुख्य कार्य था मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पुतले और देवी देवताओं के सुंदर सुंदर मूर्ति बनाना। उस गरीब गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था पराशर। वह अपने पिता के साथ रहता था। कम उम्र होने के बावजूद भी मिट्टी के कामों में बहुत ही मशहूर था पराशर अपने गांव में। और उसके जैसा मिट्टी का काम कोई नहीं कर सकता था। लेकिन पराशर के पिता केशव का यह इच्छा था उसका बेटा उसके जैसा मिट्टी का बर्तन बनाकर अपना जीवन न व्यतीत करे। वह चाहता था कि मेरा बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, पढ़ लिख कर वह अच्छा इंसान बने। इसलिए पराशर को एक दिन अपने पास बुलाकर कहने लगे, पराशर, ऐ पराशर। पिताजी आप मुझे बुला रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो अभी? क्या करूं, मूर्तियों को रंग रहा हूं पिताजी। वह सब करके क्या फायदा, पूरी जिंदगी मेरी तरह मिट्टी का काम करेगा तू? यह सब छोड़कर थोड़ा पढ़ लिख ले बेटा। क्या हो गया है आपको, सुबह सुबह ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुम्हार का लड़का कुम्हार का काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी तरह मिट्टी के काम नहीं करोगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई करोगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करोगे। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ हाँ, सुनो, तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर, त्रिकुट मुनि आश्रम है, वहाँ जाकर ऋषि मुनि से शिक्षा ग्रहण करना है तुझे, समझा? अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, तुम यह सब प्राप्त करके एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे। आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। अरे बेटा बात सुन मेरी, जिद मत कर बेटा, जिद मत कर बेटा, पूरा गांव तो है मेरे साथ, तू निश्चिंत होकर जा, तू मेरी चिंता मत कर बेटा। ठीक है। वह देखो आश्रम आ गया है, जल्दी जल्दी उतर जाइए। हाँ उतर रहा हूँ उतर रहा हूँ। चल चल जल्दी जल्दी उतर जा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम? गुरुदेव मैं केशव हूँ, वीर शिवपुर गांव से आया हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ और यह मेरा इकलौता बेटा है, इसे आप अपने शरण में रख ले गुरुदेव। मैं नहीं चाहता वह मेरी तरह सारी जिंदगी कष्ट करे, वह एक अच्छा इंसान बने, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव, उसे मेरे पास रहने दो, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ गुरुदेव। उसके बाद त्रिकूट मुनि आश्रम में पराशर शिक्षा ग्रहण करने लगा। नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, गणित, दर्शन, सभी विषयों में पराशर सभी विषयों का ज्ञान अध्ययन करने लगा। आश्रम के सभी विद्यार्थियों में पराशर गुण और विचार में सबसे अव्वल रहा। क्या कर रहे हो दोस्त? ओहो तुम हो, आओ आओ आओ, आज आवाज। वह देखो वह गोल चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, उस गोल चक्र में निशानेबाजी कर रहे हो? हाँ हाँ
देखो ना मेरे दोस्त, निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। निशाना लग जाएगा दोस्त, कोशिश करो। शाबाश दोस्त। सोमदत्त, पराशर, तुम दोनों को गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बात है, गुरुजी इस समय क्यों बुला रहे हैं? वो मैं नहीं जानता हूँ, पर जल्दी बुलाएं। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ तो दोस्त। चलो ना, जाकर देखते हैं। विषय बहुत गंभीर है, आप हिम्मत न हारे महाराज, धैर्य रखें, मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आओ आओ बच्चों, महाराज इन्हीं दोनों के बारे में मैं आपसे कह रहा था। क्या हुआ है गुरुदेव? यह है चंदनपुर के महाराज चंद्रदत्त, ये बहुत बड़ी समस्या लेकर मेरे पास आए हैं। क्या समस्या है महाराज? कुछ दिनों से चंदनपुर में एक समस्या दिखाई दे रहा है बेटा। राजमहल और प्रजाओं के घर से बीच बीच में मनुष्य गायब होते जा रहे हैं। कहाँ गायब हो जा रहे हैं वे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आश्चर्य की बात है। पिछले दिन मेरी बड़ी रानी की दासी ने आकाश में एक दानव को उड़ते हुए देखा है। हाँ? दानव? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह मेरे आँखों के सामने मेरे सेवक को एक भयंकर दानव उठा कर ले गया। मैं सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। सुनो बच्चों, इन आश्रम के सभी छात्रों में से तुम दोनों सबसे ज्यादा वीर और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। हम लोग तैयार हैं गुरुदेव, क्या करना होगा बोलिए। ठीक है, रुको तुम लोग। ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने साथ रखो, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। यह लो पराशर, इस चाकू को अपने साथ रखो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो, वहां जाकर महर्षि भीगु से मिलो। महर्षि भीगु, वो कौन है गुरुदेव? वह सर्वज्ञानी है, इस जगत के सभी घटनाएं उन्हें पता है, वे इस समस्या का हल बता सकते हैं तुम दोनों को। और देर मत करो, अभी तुम दोनों निकल पड़ो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और कितना दूर है दोस्त? बहुत थक गया हूँ। कितना दूर है? दिन ढल गया है। सुनो दोस्त, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसी पेड़ के नीचे हम लोग आराम करते हैं, सुबह फिर निकल पड़ेंगे। यही ठीक रहेगा दोस्त। वो देखो, चलो चलो उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ वही चलो। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ? कौन बोल रहा है? ये देखिए मैं हूँ, मैं बेंगुमा, पेड़ के ऊपर हूँ। ओ तुम, हम लोग महर्षि भीगु से मिलने आए हैं, कहाँ रहते हैं वो बता सकती हो तुम? हाँ बता पाऊंगी मैं, थोड़ी से दूर में बिंद पहाड़ की गुफा में रहते हैं भीगू, मगर तुम लोग वहाँ उतना दूर पैदल नहीं जा पाओगे। हाँ तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग दोस्त? वहाँ जाना बहुत जरूरी है, कोई उपाय बताओ दोस्त।
हम लोगों के तुम्हारे जैसे पंख निकल आए। जाओ तुम लोग, अब तुम लोग आसानी से सिंध पहाड़ पर महर्षि के पास पहुंच जाओगे। प्रणाम रिसीवर। किस कारणवश तुम लोग आए हो? क्या चाहते हो तुम लोग? रिसीवर, चंदनपुर राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। वहाँ के प्रजा बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। पूरा नगर खाली होते जा रहा है। लग रहा है कि दानव का अत्याचार। हाँ हाँ रिसीवर, हम लोगों को भी यही लग रहा है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 20 कोस दूर में एक राक्षस नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंदनपुर से मनुष्य को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, और वह रास्ता बहुत ही कठिन है। क्यों रिसीवर, क्या है उस रास्ते में? रास्ते में मिलेंगे एक अग्नि सरोवर। उसे पार करके ही तुम्हें राक्षस नगरी में जाना होगा। बहुत सावधानी से पार करना होगा उस रास्ते को। अगर थोड़ी सी भूल हुई तो तुम दोनों की मौत हो जाएगी। मृत्यु का भय नहीं रिसीवर, हम लोग चलते हैं। आप आज्ञा दीजिए। आओ तुम लोग। उसके बाद पराशर और सोमदत्त राक्षस नगर के उद्देश्य से बहुत ही भयंकर रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वे लोग आ पहुँचे वही अग्नि सरोवर के सामने। अरे ये तो मृत्यु कुंड दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या करें? हाँ, और कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त, आगे बढ़ना होगा। ओह आह, बहुत थक गया हूँ दोस्त। और कितना दूर है कुछ पता नहीं। आज भोजन खुद चलकर आ गया मेरे पास। सावधान दानव, एक और भी आगे बढ़ाओगे तो मार दूंगा। तू मुझे मारेगा। सोम, गुरुदेव का दिया हुआ चक्र प्रहार करो। हाँ हाँ हाँ। चलो पराशर, अब राक्षस नगरी में प्रवेश किया जाए। बाप रे, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली क्यों पड़ा है? कोई दिख नहीं रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। लग रहा है कोई चिल्ला रहा है, लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है। हाँ, लेकिन किधर से आ रही है ये आवाज, समझ में नहीं आ रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ, रक्षा करो मेरा। अरे अरे अरे, वो देखो वो देखो, उस पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, मैं आ रहा। यह लीजिए, बाहर निकलिए, निकलिए जल्दी। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता हूँ, सर की अप्सरा, राक्षस राज के राजा। मुझे छोटा सा गुड़िया बना के इस पिंजरे में बंद करके रखा था। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? वापिस चले जाओ, वरना राक्षस राज लोग जानेंगे तो तुम्हें मार देंगे। हम लोग उसे मारने आए हैं। हाँ, उसको मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो बहुत मायावी है, उसके सामने युद्ध करना बहुत ही असंभव। और कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर मिट्टी के नीचे एक महाकाली का मंदिर है। उस महाकाली के हाथ में जो स्वर्ण दंड है, उसमें राक्षस राज का प्राण है। उसको तोड़ के दो टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर वो राक्षस मर जाएगा। उस दानव के मरने के बाद वो अपनी समस्त माया शक्ति विलुप्त हो जाएगा
और मैं फिर से अपने रूप में वापिस आ जाऊंगी। चलो दोस्त, हम लोग अभी उस महाकाली के मंदिर में जाते हैं। रुको, सुनो, अभी दानव महाकाली के पूजा में लगा हुआ है। अभी जाओगे तुम लोग तो पता चल जाएगा। हम लोग अभी जाएंगे। चलो दोस्त। हाँ हाँ, चलो चलो। जय माँ, जय माँ। इस हवन के समाप्त होते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जय माँ, जय माँ। यह सपना तेरा कभी सच नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों का हिम्मत तो कम नहीं है। मुझे मारना इतना आसान नहीं। जाओ उस दंड को तोड़ दो। उस दंड को तोड़ोगे, उस दंड को छुओगे तो भस्म हो जाओगे तुम लोग। और यह लो पराशर। अरे, मैं तो वापस ठीक हो गई। मैं अपने रूप पा गई। जल्दी से यहाँ से वापस बाहर निकलो। अभी तुरंत ये सब टूट के धस जाएगा नीचे। चलो जल्दी चलो। टेक वन। धन्यवाद। अगर तुम लोगों को मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं चली आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। चलती हूँ। तुम लोगों की वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम लोगों की वजह से ही चंदनपुर के प्रजाओं का प्राण बच गए। तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए अब और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों का शिक्षा संपूर्ण हुआ। अब तुम लोग अपने माता पिता के पास वापस जा सकते हो। अच्छा गुरुदेव, तो आज्ञा दीजिए, तो फिर चलते हैं। ठीक है, आओ आओ तुम लोग। लेकिन महाराज, यहाँ दानव राज को मारने के लिए इन दोनों का कोई भूमिका नहीं था। इसका कारण यह था कि अगर ऋषिवर चक्र और चाकू नहीं देते तो वे दोनों कभी भी दानव को नहीं मार पाते। इसलिए इन दोनों को वीर नहीं माना जा सकता है महाराज। बैताल, पराशर और सोंगर इस मायावी दानव शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थे। उस मायावी दानव को पराजित करना संभव नहीं था, इसलिए मायावी शक्ति की सहायता लेकर वह दोनों अपने बुद्धि का परिचय दिए। अगर वे दोनों वीर न होते तो अग्नि सरोवर पार कैसे कर पाते? यहाँ पर भी वे लोग अपनी बुद्धिमानी दिखाए हैं। सारी मायावी शक्ति को तहस नहस करके राक्षस नगरी में पहुँचे और वहाँ जाकर महाकाली के मंदिर में जादुई दंड तोड़ दिए और मायावी दानों का वध कर दिए। इसलिए पराशर और सोमदत्त को वीर कहा जाता है। बैताल, महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं।
इसलिए अब मैं चला।